नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको जनता के साथ सीधी बातचीत दिखा रहे हैं कि जनता का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इनका डेरा सच्चा सौदा के साथ। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? रेखा इंसा। मैम कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? मैम 12 साल से आ रही है यहाँ पे। मैम 12 सालों से आपको कैसा माहौल लग रहा है आश्रम? मैम यहाँ पे जैसा माहौल है ऐसा पूरी इंडिया में कहीं भी नहीं है मैम। जैसा यहाँ पे जितनी खुशी हमें यहाँ पे आके मिलती है इतनी कभी कहीं भी नहीं मिली। जब से हमने नाम लिए सब कुछ दिया है हमें यहाँ से, सब कुछ मिला है हमें यहाँ से। मैम यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम? बहुत सुरक्षा है यहाँ पे, जितनी सुरक्षा है पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है यहाँ पे जितनी लड़कियों की सुरक्षा है। लेकिन मैम मीडिया में तो काफी अलग बातें दिखाई जा रही थी। मैम सब बकवास है, सब झूठ है मैम, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। जितनी सेफ्टी यहाँ पे लड़कियों की पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन मैम जो आरोप सन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के ऊपर, सब झूठे आरोप है मैम, सब झूठ है वो, सब कोई भी आरोप सच नहीं है मैम उसमें। हमारे पिताजी जैसे कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। इतने भलाई के काम कर रहे हैं वो तो भलाई के काम दिखाते नहीं है, ये झूठ भी अफवाहें वो फैलाते हैं मैम। क्या किया है संत जी ने भलाई के लिए? सब कुछ किया है मैम, जो इतने भलाई के कार्य कर रखे हैं, जैसे गरीब परिवारों को राशन देना, कपड़े देना, अभी पीछे नाम चर्चा में इतना इतने किए हैं ब्लॉकों ने, सब ब्लॉकों ने गरीब परिवारों के सर्दी के सबके कपड़े दिए हैं। हर किसी का भला करना, किसी बीमारी का इलाज करवाना, सब कुछ कर रहे हैं मैम। ये सब हमारे पिताजी तो हमें सिखाते हैं, तभी तो करते हैं मैम। क्या फ़ायदा हुआ है उनके कार्यों से लोगों को, समाज को? हाँ बहुत फ़ायदा हुआ है मैम। जो गरीब थे जिनके पास कपड़े भी नहीं थे डालने के लिए मैम, उनको सर्दी के कपड़े मिले हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत फ़ायदा हुआ है मैम। मैम तीन चार सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज? हाँ मैम बहुत ज़रूरत है, उनके बिना तो हमारा तो बहुत मुश्किल है मैम। हमारा तो, हम तो कहते हैं कि पिताजी को जल्दी से जल्दी हमारे पिताजी आए और दोबारा हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ बख्शे यहाँ के। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी बेकसूर हैं और आप दे रूप में जल्दी से जल्दी उनका इंतज़ार कर रही है, पूरी संगत बहुत इंतज़ार कर रही है उनका। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता की अपील मांग है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा समाज में वापस आए। उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।